मंच लगाकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत किया। तो वही रत्ती गांव के पुराने सहयोगी व कार्यकर्ता ने भी मंच लगाकर स्वागत किया है। कैबिनेट मंत्री ने प्रीति नगर में मां वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन कर आने वाले उपचुनाव में जीत के लिए प्रार्थना की है। मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री जी ने बताया कि वैश्विक महामारी के चलते देश आर्थिक महामारी से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर बनने के देश को प्रेरित किया है, हमें अनुसरण करना है। वही पीतमपुर के विकास में स्थानीय निकाय के साथ मिलकर जल्द ही रूपरेखा तैयार की जाएगी, तो वही पीतमपुर के विकास में भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। आपकी क्या रणनीति रहेगी? जो भी आवश्यकताएं होंगी, अभी मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन किया था, रास्ते में हम लोग देख रहे थे, जो भी आवश्यकता है, जो कमियाँ हैं, हम प्रयास करेंगे कि एक संयुक्त सभी की राय लेकर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हो सके करेंगे। अब सब जानते हैं कि अभी कोरोना का समय 2-3 महीने बड़ा विकट समय रहा है और न सिर्फ पीतमपुर बल्कि पूरे देश और विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है कि हम पुनः अपने पैरों पर खड़े हों, इसलिए उन्होंने आत्मनिर्भरता का नारा भी दिया है और उन्होंने वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल की बात भी कही है। उस तहत पीतमपुर का विशेष महत्व न सिर्फ पीतमपुर के लिए, धार के लिए, बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लिए हो जाता है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम यहाँ पे और मजबूती प्रदान करें।